وعلى الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها. السلام عليكم دوستو, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आपको हम लोग खैरियत से होंगे. दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ जरूरी खबर, जरूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं. आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लेकर आखिर तक जरूर से देख लें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दें. आप लोग आजकल वीडियो को बहुत ही कम लाइक करते हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें. अगर लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, हमें हौसला मिलता है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके हौसला ज़रूर अफजाई किया करें. चलिए बढ़ते अपडेट तरफ, पूरी की अपडेट आपको बताते हैं. सबसे पहली खबर, जैसा कि आपने शुरू में एक वीडियो क्लिप देखी होगी, आपको बता दें कि सऊदी अरब के अंदर ट्रैफिक का नया कानून आज से लागू कर दिया गया है. जितने भी लोग सऊदी अरब के अंदर गाड़ी चलाते हैं उनको अब काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना होगा, काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना होगा गाड़ी चलाते वक्त. ज़रा से भी आप गलती करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक चालान कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिक चालान आपके पास आ जाएगा. पहले ऑटोमेटिक चालान सिर्फ कुछ चीज़ों का ही होता था, जैसे मोबाइल हो गया या ओवर स्पीड हो गया या फिर आप सिग्नल तोड़ते थे, तो इन तमाम चीज़ों का चालान जो है वो ऑटोमेटिक आता था. लेकिन अब 7 तरह की और खिलाफ वर्जियाँ हैं जिनका चालान ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा. यानी कि ज़रूरी नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस देखे तो ही चालान करे, जहाँ पर कैमरे लगे होंगे वहाँ पास आप इन खिलाफ वर्जियों को करते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिक ही चालान आ जाएगा. तो अब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना है, सावधान रहना है. और वो 7 खिलाफ वर्जियाँ कौन कौन सी हैं, इससे पहले नहीं तो 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दिया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है. बाकी ज़्यादातर लोगों ने उस वीडियो को देख रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकेंगे. और सामने आप स्क्रीन पर वीडियो भी या फिर इमेज देख सकते हैं किस तरीके से अब चालान लोगों को किया जाएगा. यानी गलत पार्किंग आप गाड़ी करते हैं तो उस पर भी आपको चालान किया जाएगा, और बड़ा चालान किया जाएगा, 1000, 2000, 500 इस तरीके से चालान जो है वो लोगों को किया जाएगा. तो इसलिए तमाम दोस्त जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको अब काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है गाड़ी चलाते. अगली अपडेट ये है कि सऊदी अरबिया में पिछले 1 हफ्ते के दौरान सऊदी अरब के अलग अलग इलाकों से 11,614 इलीगल लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से बताया गया है कि 6,738 ऐसे हैं जो इकामा कानून के खिलाफ फर्जी कर रहे थे, और 3,618 ऐसे हैं जो सरहद के खिलाफ फर्जी कर रहे थे, और 1,258 ऐसे हैं जो लेबर लॉ के खिलाफ फर्जी करते हुए गिरफ्तार किए गए हैं. जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरबिया के अंदर कैंपेन चल रहा है, जो लोग इलीगल तरीके से बंदे रहते हैं या फिर इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है. इसके साथ अगली अपडेट यह है कि सऊदी अरबिया में अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है. वैसे तो जो लोग सऊदी अरब हो गया या फिर बाकी अरब देशों में रहते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तमाम लोग काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहते हैं, सावधानी बरतते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है कुछ गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, और बड़ी कानूनी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाती है. क्योंकि अब सोशल मीडिया यूजर्स की निगरानी की जा रही है, यानी कि तमाम लोगों को देखा जाता है, कोई अगर सोशल मीडिया पर कोई गलत पोस्ट करता है या फिर कुछ गलत काम वो सोशल मीडिया के जरिए से कर रहा है या फिर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे लोगों की निगरानी की जा रही है, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है. तो आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना है, सावधान रहना है. इसके साथ अगली अपडेट ये है कि सऊदी अरबिया के अंदर आज 3 सऊदी नागरिकों को फांसी की सज़ा दे दी गई है, यानी कि सजाए मौत सुना दी गई है. अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि ये लोग आतंकवादी गिरोह में शामिल थे और ये लोग हथियार वगैरह की सप्लाई भी कर रहे थे, यानी कि आतंकवाद को ये लोग हथियार वगैरह और भी जो गोला बारूद होता है या फिर ये तरह इस तरह के सामानों की ये स्मगलिंग कर रहे थे, और इनको पकड़ा गया रंगे हाथों. उसके बाद अदालत में पेश किया गया, अदालत में इनको मौत की सज़ा सुनाई गई है. दोस्तों ये थी आज की सऊदी अरबिया की कुछ जरूरी खबर, जरूरी जानकारी जो आप तक पहुंचा दी गई है. उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो. अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़
वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं स्टूडेंट्स टॉपिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखें। खुदा।